राहुल भाई 1.5 लाख का 50 गज का प्लॉट है। आज मैं ऐसे प्लॉट ले आप लोगों के लिए कि मात्र 3000 रुपए गस्ती दिया। बस तो कान खोल के सुन लो, 3000 रुपए गस्ते होंगे प्लॉट के रेट स्टार्ट से। जो सबसे सस्ता प्रोजेक्ट है राहुल भाई 1.5 लाख का 50 गज का प्लॉट है, वो मात्र 1.5 लाख रुपए का 3000 रुपए गज के हिसाब से वो प्लॉट। मैं खुद का यहाँ का लोकल हूँ, मेरा अपना घर यहीं पे ही है और यहाँ मकान बनेगा उसको हमेशा मेरी सपोर्ट रहेगी। और एक और बता दूं, ये सारा दिल्ली NCR लगता है सर, वो मेरा घर देखने के बाद ही प्लॉट लेते हैं। पहले घर जाते हैं, फिर चाय पीते हैं एक कप और मैं उनको पिलाता हूँ, दूध भी पिलाता हूँ। और देखो यहाँ रहो, मेरे पास ना एजेंट रहते ना कोई वे रहते कमीशन एजेंट। जी जी, जो भी कोई प्लॉट लेगा वो सीधे मेरे से लेगा और जब तक मेरे से सब बात नहीं हो तब तक संतुष्टि मत समझना बात की। इसमें 22 फुट के रोड है, मेन रोड जो है वो 50 फुट का है। तो दोस्तों ये है मेन रोड यहाँ के टच में। ये जो सर एरिया है, क्या यही एरिया हमारी साइड का एरिया है? मेन हाईवे से बस स्टॉप से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर है। अंदर दुकान भी मिल जाएगी और उसके बाद में जो कोई फैक्ट्री के लेना चाह रहा है, खेती के लिए लेना चाह रहा है, वो भी मिल जाएगी। और इसमें कोई छोटे प्लॉट लेना चाह रहा है वो भी मिल जाएगा। पक्की जमीनें चाहिए फरीदाबाद के अंदर तो सिर्फ आपको मिलेंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको जमीन के लिए भी लोन मिल जाएगा, घर बनाने के लिए भी लोन मिल जाएगा। राहुल भाई 1.5 लाख का 50 गज का प्लॉट है। और एक और बता दूं, ये सारा दिल्ली NCR लगता है। ठीक है जी। और ये प्रोजेक्ट जो है हरियाणा के अंदर है और यहाँ पे स्टेशन की सुविधा है, हाईवे की सुविधा है, JBM कंपनी, ये IMT पलवल का एरिया है। ठीक है, यहाँ पे 150 कंपनियां और आ रही है, आपको मैं बताऊंगा आपको। आज आगे हम फरीदाबाद के अंदर जहाँ पे जो प्राइस स्टार्ट होंगे वो होंगे 3000 रुपए घर से। और आज मैं आपको ऐसी परसेंट से मिलाने वाला हूँ जिन्होंने पिछले 10 साल में कई सारे लोगों का सपना पूरा किया है मकान देकर, जमीन देकर। अगर आप भी दिल्ली NCR में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं उससे बाहर, तो आज का ये सपना आपका पूरा करेगी ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको मिलाता हूँ हमारे सर से। सर नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? सतवीर नाम। सर क्या नाम है आपकी कंपनी का? भारत ग्रीस्टी डेवलपर्स के नाम से कंपनी। सर मैं तो आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, हम पहले भी आपकी वीडियो बना चुके हैं, बट हमारे जो नए लोग हैं थोड़ा उनके बारे उनको बताइए अपने बारे में, अपने काम के बारे में, किस तरीके से आप प्रॉपर्टी के अंदर काम करते हैं। प्रॉपर्टी का काम हम इस तरीके से करते हैं कि हमें करीब 10-12 साल इस लाइन में हो गए जी, और अब तक जितने भी प्रोजेक्ट हमने बनाए वो सक्सेसफुल बनाए हैं। बिल्कुल, लोगों को कब्जे दिए हैं, मकान बनवाए हैं और आबादी के अंदर प्लॉट हैं सारे जी। पक्की रजिस्ट्री, पक्की मटर के साथ में देते हैं आप प्लॉट का सौदा है। जो लोग फुल एंड फाइनल एक साथ करना चाहते हैं वो अपना साथ के साथ पेमेंट दें और रजिस्ट्री कराएं और अपना मकान बनाएं। म्यूटेशन वगैरह भी साथ में। जो EMI पे लेना चाहते हैं वो करीब 30% पेमेंट का एक साथ जमा करें, एग्रीमेंट करवा के जितने दिन का टाइम वो लेना चाहते हैं उस टाइम हम दे देंगे उसमें, बाकी वो हर महीने EMI अपना भर के प्लॉट ले सकते हैं। उसकी कोई ब्याज पेनल्टी नहीं है? नहीं, कोई ब्याज पेनल्टी। साइट पर जाने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट सर के चेक कर लेते हैं। कुछ लोगों की रजिस्ट्री रखी हुई है सर, किस नाम से रजिस्ट्री है? ये तो हमारी फर्म की अपनी रजिस्ट्री है। और सर ये जो जमीन आपने दी है किसके नाम पे जमीन है? ये मेरे नाम। एक बार नाम चेक करेंगे, लिखा है इसमें आपका नाम? ये फर्म का नाम लिखा हुआ है, भारत ग्रीस्टी डेवलपर्स। ठीक है जी। NIT फरीदाबाद, प्रोप्राइटर सतवीर पुत्र श्री पूरन निवासी। बाकी आप देखो, ठीक है, देखिए इसमें भी सेम नाम, इसमें भी यही लाइन है सारी। देखिए बिल्कुल जेन्युइन काम मिलने वाला है ना, ये लिखा ना भारत ग्रीन सिटी डेवलपर्स। ठीक है, प्रोपराइटर सतवीर पुत्र श्री पूरन निवासी। दोस्तों कहने का मतलब है कि आप आज की वीडियो में जमीन के असली मालिक से सीधे प्लॉट लेने वाले हैं, बिना किसी एजेंट के, बिना किसी डीलर के। एक चीज और है राहुल जी यहाँ पे जी, कि हमारे पास हमारी फर्म के अंदर कोई भी हमारे पास फोन करेगा वो सीधा मुझसे बात करेगा। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे ना तो कोई एजेंट ना ब्रोकर, जो भी लेगा सीधा लेगा। बिल्कुल सर। और जो भी कस्टमर का फायदा होगा वो सीधा ही होगा। बिल्कुल सही बात है सर, बीच का कोई हमें ब्रोकर का काम नहीं है। हाँ सर, उसको कमीशन देना है, उसको ये देना है, वो सीधा नहीं है। जो भी कॉल करेगा वो सीधे हमारे पास। आप डायरेक्ट काम करते हैं ताकि कस्टमर को डायरेक्ट प्रॉफिट मिल पाए? मुझे जल्दबाजी नहीं है, आराम से काम। मैं तो शांति से बेचने वाला आदमी हूँ। बिल्कुल सही बात है सर, मैं आपके वीडियो डलवा देता हूँ, जितना बिकता है बिकता है, ना तो पड़ा है मेरा माल, मेरे कहाँ भाग के जा रहा है। सही बात है सर। ठीक है जी, तो ये नहीं है कि भाई एजेंट लगा के कमीशनों उनको मैं कमीशन दूं और उसके बाद में वही चीज़ जो है, जो भी हमने रेट ही उस तरीके का रखा है कि जो सीधा कस्टमर को फायदा है। बिल्कुल, अगर हम एजेंट रखते हो उनको हम कमीशन देते तो हम रेट बढ़ा के देते। ठीक है जी, लेकिन इसमें रेट बढ़ाने वाली कोई बात ही नहीं है, जो रेट फिक्स चल रहा है हमारा वही रेट रहेगा उसके। तो चलिए दोस्तों चलते सीधे साइड पे। ये देखिए भाई, ये राजा नारसिंह मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पे जो आपको फैसिलिटी मिलेगी, यहाँ पे बस स्टैंड भी है, रेलवे स्टेशन भी है और हमारी साइड इससे आगे ही है थोड़ी सी, कुछ ही मिनट की दूरी पे। तो ये आपका है पलवल का फ्लाईओवर, यहाँ से सीधे 4-5 मिनट की दूरी पर साइड होने वाली है। यहीं फ्लाईओवर पे आप देखोगे तो आपका पलवल का बस स्टैंड है, पास में आपका यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, यहीं से आप पूरा मार्केट आपको मिल जाता है जहाँ से हर तरीके की आप शॉपिंग कर सकते हैं। और पलवल मेन बाजार होने के कारण यहाँ पे आपको मेट्रो हॉस्पिटल जैसी कई फैसिलिटी आपको मिल जाती है, हॉस्पिटल मिल जाएगी, कॉलेज मिल जाएंगे, यूनिवर्सिटीज वगैरह सब आसपास इसी हाईवे के नजदीक मिल जाती है। तो दोस्तों पलवल मेट्रो के बाद आते हुए पलवल हाईवे निकलते हुए पलवल शहर क्रॉस करने के बाद अभी हम आ चुके KMP एक्सप्रेस वे के बाद। यहाँ से CNG ऑटो मिल जाते हैं, बस मिल जाती है, ट्रेन की सुविधा है,
साइड तक जाने की, सीधा इसी रोड पे साइड पड़ेगी आपकी 3-4 मिनट की दूरी पे। अच्छा, यहाँ से केएमपी एक्सप्रेस की बात की जाए? केएमपी है, इससे आगे लेफ्ट में जाओगे मेरठ हरिद्वार चले जाओगे, ठीक है जी। आपको चंडीगढ़ शिमला और गुड़गामा जाना है तो आप इधर की तरफ चले जाओ। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं साइड के पास जहाँ पे आगरा मथुरा मेन हाईवे के पास, आप देखेंगे यहाँ पे ये आगरा मथुरा का मेन हाईवे है जहाँ से हम अभी हम जो के एम पी था वहाँ से 3 से 4 मिनट की दूरी पे आ चुके हैं। और यहाँ से जो कट जा रहा है ये कट जाता है सीधे हमारे साइड की तरफ और यहीं पे पास में आपको पीछे मिल जाती है आपको पुलिस चौकी और यहाँ से आपको लोकल ऑटो रिक्शा मिल जाता है। अगर आप साइड पे जाना चाहते हैं तो मात्र 10 रुपये देखिए, आपको 10 रुपये भी नहीं देने हैं आई थिंक। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है साइड पे जाने के लिए, तो सर से पूछ लेते हैं कि यहाँ से मेरी सड़क कितनी दूरी पर। सर यहाँ पे आसपास क्या फैसिलिटी मिल जाती है? यहाँ स्टेशन है साइड के पास ही, ठीक है जी। और इधर रतनी स्ट्रीट कॉलेज है, ये मुंडकटी का बस स्टॉप है, ये हाईवे आपका जा रहा है जी। और ब्लैक रोड पे सारे प्लॉट लगते हैं, ये रोड जो जा रहा है स्टेशन वाला आप पीछे देखिए आपका ये रोड जा रहा है जो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। पीछे ये रोड जा रहा है, ये रोड जा रहा है स्टेशन की तरफ, ब्लैक रोड से फ्रंट लग रहा है। हाँ ये अमन हॉस्पिटल है, आगे चल के यहाँ से कोई 4 किलोमीटर की दूरी पे आपका सिटी मिल जाएगा, बाजार है वहाँ पे। अब मैंने सुना है यहाँ पे पास में ही रोजगार के लिए जो बसों की कंपनी आने वाली है। हाँ JBM कंपनी आ गई है, कंपनी थोड़ी सी आ गए, तो वहाँ पे आपको रोजगार की फैसिलिटी मिल जाती है अगर आप भविष्य में करना चाहते हैं रोजगार, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो दोस्तों अभी हम थे 300 मीटर दूरी मेन हाईवे पे, तो यहाँ पे हम आगे आपके लिए प्लॉट दिखाने के लिए भी हम आ चुके हैं साइड पे। तो सर बताइए इस साइड के बारे में। ये साइड जो है जी मेन हाईवे से जी बस स्टॉप से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। 300 से 400 मीटर की दूरी है और ये जो रोड देख रहे हो आप जी ये ब्लैक रोड है भाई बिल्कुल। और ब्लैक रोड के साथ में ये प्रोजेक्ट लगता हुआ देखो, ये 22 फुट की एंट्री अंदर जाने की है कॉलोनी के अंदर, ये आपकी 22 फीट की एंट्री होने वाली है ये कॉलोनी के अंदर जाने की है, ठीक है। और यहाँ पे ये सारे प्लॉट आप देख सकते हो जो डेवलप हो रहा है, बाउंड्री हो रही है जहाँ पे दो बंदे खड़े हुए हैं पीछे, ठीक है जी। आप देख सकते हो पीछे की साइड में जी। तो दोस्तों ये है मेन रोड यहाँ के टच में, ये जो सर एरिया है क्या यही एरिया हमारी साइड का एरिया है? ये साइड का एरिया, ये सारा साइड का ही लगता है, ये 22 फुट की एंट्री है, ये जो देख रहे हो आप जी, ये सारा प्लॉट एरिया है आगे तक। तो ये कितने एकड़ में फैला हुआ प्रोजेक्ट आपका? ये करीब 40 से 42 एकड़ का प्रोजेक्ट है ये 40 से 42। तो मैं समझता हूँ इस रोड पे अगर कोई आज के समय पे कोई अपने यहाँ पे दुकान भी लेना चाहता है तो वो मिल जाएगी इस प्लॉटिंग के अंदर? दुकान भी मिल जाएगी और उसके बाद में जो कोई फैक्ट्री के लेना चाह रहा है, खेती के लिए लेना चाह रहा है वो भी मिल जाएगी, और इसमें कोई छोटे प्लॉट लेना चाह रहा है वो भी मिल जाएंगे। तो सर इसमें किस किस तरह की जमीनें दे रहे हैं आप? इसमें हम कॉमर्शियल भी दे रहे हैं, रेजिडेंस भी दे रहे हैं। तो रेजिडेंस कॉमर्शियल जो भी लेना चाहता है, दुकान के लिए तो कॉमर्शियल में हो गया और रेजिडेंस के लिए प्लॉट में हो गया, ठीक है। तो प्लॉट 50 गज से लेके 200 गज 500 गज तक ले लो, लेकिन इस प्रोजेक्ट का जो रेट है वो 8000 रुपए गज है। 8000 रुपए गज है, हाँ। जो प्रोजेक्ट आपको बता रहे थे जो आपका 3000 रुपए गज का, वो किधर मिलेगा? वो ये पड़ता है हाईवे और इस 16 का स्टेशन के बीच में, हाईवे के नजरवाई नजदीक 8000 रुपए गज का। वो बंचारी स्टेशन के पास है जो सबसे सस्ता प्रोजेक्ट है, वो मात्र 1.5 लाख रुपए का 3000 रुपए गज के हिसाब से वो प्लॉट। वो यहाँ से कितने टाइम की दूरी पर प्रोजेक्ट है? वो यहाँ से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर, यानी कि यहाँ से मेन हाईवे से 5 मिनट की दूरी पे 3000 रुपए प्रति गज की आपको जमीन मिलने वाली है। बिल्कुल मिलने। अगर बात की जाए इस प्रोजेक्ट की तो जो दुकानें हैं वो दुकानें कितने कितने फुट की निकाली हुई है आपने, ऐसा कुछ आपने दुकानों बनाया? दुकानों का जो इसमें रेट है वो अलग अलग साइज है, अलग अलग साइज के अलग दुकानों का उद्गम रेट में दुकान है, उसकी लिस्ट ऑफिस में रखी है, मैं दिखा दूंगा। प्लॉट का रेट मैंने आपको बताई दिया है। राहुल भाई आप देखिए पीछे ये हाईवे जा रहा है 50 फुट का, ये अपना नियर बाई मुंडकटी चौक से 16 का स्टेशन वाला है, गाड़ियां इस पर चल रही है। किसी को अगर दुकान लेनी है मैं दुकान भी ब्लैक रोड पर दे दूंगा, प्लॉट लेना प्लॉट भी दे दूंगा। बाउंड्री वॉल मैंने करा रखा है सारे प्रोजेक्ट का, आप देख सकते हो पूरे प्रोजेक्ट का बाउंड्री वॉल करा रखा है। बिल्कुल। तो आप यहाँ पे प्लॉट लेके अपना बना सकते हो, रजिस्ट्री का सौदा है, 1 साल 1.5 साल 2 साल तक की EMI पे भी दे रहा हूँ, नगद में जो लेगा वो नगद में इसका 8000 रुपए का भाव है, किस्तों में रेट इंक्लूड हो जाता है इसका, ठीक है जी। तो दोस्तों यहाँ आपको मिलने वाले किस्तों में प्लॉट 12 महीने 24 महीने और 30 महीनों की आसान किस्तों पर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे रजिस्ट्री वाली जमीनें मिलने वाली है अभी आपको म्यूटेशन, साथ में आपको इन जमीनों पर मिल जाएगा आपको लोन। तो लोन वाली अगर आपको जमीनें चाहिए तो आप मिलेगी आपको सिर्फ और सिर्फ भारत ग्रीन सिटी डेवलपर के पास। राहुल भाई 1.5 लाख का 50 गज का प्लॉट है, और एक और बता दूं ये सारा दिल्ली NCR लगता है, और ये प्रोजेक्ट जो है हरियाणा के अंदर है, और यहाँ पे स्टेशन की सुविधा है, हाईवे की सुविधा है, JBM कंपनी, ये IMT पलवल का एरिया है, ठीक है। यहाँ पे 150 कंपनियां और आ रही हैं, आपको मैं बताऊंगा आपको इन फ्यूचर पे, आप मास्टर प्लान के अंदर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। जी इस सोसाइटी में कितने कितने फुट के रोड मिल जाते हैं? इसमें 22 फुट के रोड है, मेन रोड जो है वो 50 फुट का है, और सारे 22 फुट के इसमें कॉलोनी के अंदर रोड रखे हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सामने ही आपका रोड बन रहा है, अगर इस सोसाइटी के अंदर देखोगे तो इस रोड के टच में जितना भी एरिया देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको मिलने वाली कॉमर्शियल दुकान है, और इसके अलावा इसके पीछे अगर आप देखते तो यहाँ पे आपको बसावट में आपको मकान मिलेंगे, यहाँ पे पानी की सुविधा भी टंकी रखा हुआ है। इसके अलावा मेन
रोड के टच में बसावट के बीचों बीच ये दिया जा रहा है आपको प्लॉट, लोन पे मिल जाएगा प्लॉट? बिल्कुल, डॉक्यूमेंट्स आप दे दीजिए, लोन हम करा देंगे आपका। क्या क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे लोन के लिए? लोन के लिए देखिए, दो साल की तो कम से कम, एक साल की या दो साल की ITR दीजिए आप, ठीक है जी, जो आप इनकम टैक्स भरते हो, और उसके बाद में आधार कार्ड, पैन कार्ड और बिजली का बिल दीजिए, लोन हम करा देंगे। हमें लोन बैंक पैसा दे देगा, रजिस्ट्री हम आपके नाम। हमारे पास एक 16 बंचारी स्टेशन के पास प्रोजेक्ट है जो 1.5 लाख रुपए का 50 गज का प्लॉट है, 3000 रुपए का, 3000 हाईवे से 1 किलोमीटर अंदर पड़ेगा। तो दोस्तों ये सभी आपको जमीनें मिलने वाली किस्तों के ऊपर, अगर आप चाहते हैं रजिस्ट्री वाली जमीन लेना तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्री वाली जमीनें मिलेंगी। साथ एक बात और बता देता हूँ राहुल भाई जी, कोई भी भाई यहाँ प्लॉट लेता है तो मैं खुद का यहाँ का लोकल हूँ, मेरा अपना घर यहीं पे ही है। क्या बात है, कोई भाई रजिस्ट्री कराए, मेरे से मिले आके और यहाँ मकान बनाएगा, उसको हमेशा मेरी सपोर्ट रहे। मेरे पास ना एजेंट रहते ना कोई वे रहते कमीशन एजेंट, जी जी, जो भी कोई प्लॉट लेगा वो सीधी मेरे से लेगा। और दोस्तों जो डिस्प्ले पर नंबर आ रहे हैं उनसे डायरेक्ट भी आपकी मेरे से बात होंगी, आप मुझे देख रहे हो, मेरे से फोन हो, जब तक मेरे से सब बात नहीं हो तब तक संतुष्टि मत समझना बात की। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। दोस्तों ये सतवीर जी हैं, आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, सस्ते प्लॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे मिल जाएंगे। इनकी जमीन पे एक चीज, यहाँ पर रजिस्ट्री के बाद आपको मिल जाएगा 90% तक लोन मिल जाएगा। आप डॉक्यूमेंट दे दीजिए, लोन करा देंगे, रजिस्ट्री हम आपके नाम करा देंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपको जमीन के लिए भी लोन मिल जाएगा, घर बनाने के लिए भी लोन मिल जाएगा, दिए गए नंबर पर कॉल करके प्लॉट की बुकिंग करा सकते हैं। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, इनसे बात कीजिए, सर का चैलेंज का एक बार आप घर पे आएंगे, सर से विजिट करेंगे, ऑफिस आएंगे विजिट करेंगे, सर आपको अपने घर पे भी ले जाएंगे, विजिट करेंगे, घर पर जाकर आपको चाय नाश्ता खाना पीना भी खिलाएंगे, उसके बाद आपको पूरी संतुष्टि हो जाए तब आप लोन लीजिए। दोस्तों वीडियो को करते हैं समाप्त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।